हाय स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनियन फिजिक्स लेक्चर में आई एम गोइंग टू टेक अ प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा ऑनियन फिजिक्स का नेचर है, हम यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं, जैसे ऑनियन की लेयर्स होती हैं। और कोशिश मैं यही करता हूँ कि हर लेक्चर को इंडिपेंडेंटली कवर करें, क्योंकि थ्योरेटिकल लर्निंग तो हमको करनी नहीं है, यहाँ पर हमको करनी है सिचुएशन बेस्ड लर्निंग। और एक चीज़ जो मैं हर बार कहता हूँ हमारे नए व्यूअर्स के लिए कि हर वीक का जो लेक्चर का शेड्यूल और किस लेक्चर में क्या पढ़ाया जाने वाला है, ये संडे को आ जाता है। आप यूट्यूब के अंदर ऑनियन फिजिक्स शेड्यूल एंड कंटेंट सर्च करेंगे तो आपको लेटेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। उसको देख के आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आप हमारे फिजिक्स गैलेक्सी कॉन्सेप्ट वीडियो से वो टॉपिक कवर कर लेते हैं जो मिनटों में कवर हो जाता है, बेसिक नोट्स बना लेते हैं, तो ऑनियन फिजिक्स का बहुत जबरदस्त आपको एडवांटेज मिलेगा। फिजिक्स और कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां सिचुएशन बेस्ड लर्निंग है रेदर देन थ्योरेटिकल लर्निंग। दूसरी चीज साथ साथ मैं बता चुका हूँ, फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1 बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद द बुक। अभी तक हम जो कवर कर चुके हैं, अभी तक मोशन इन वन डायमेंशन और रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन के केसेस प्रीवियस लेक्चर में कर लिए हैं। सो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट लेक्चर से वापस से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि वेन वी टॉक अबाउट मैकेनिक्स तो पूरी की पूरी मैकेनिक्स इंटरलिंक्ड है। सो आइए अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सिचुएशन से ही लर्निंग शुरू करेंगे। एट फर्स्ट द मोस्ट कॉमन सिचुएशन इस बॉल प्रोजेक्शन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है कि एक बॉय है, इसके हाथ में बॉल है, ये अल्फा एंगल पे यू स्पीड से बॉल थ्रो करता है। ऑल ऑफ यू नो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रही है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज टेकन एज माइनस जी, क्योंकि अगर प्रोजेक्शन पॉइंट को ऑरिजिन लिया जाए ये एक्स एक्सिस है, और वर्टिकली अपवर्ड अगर वाई एक्सिस ली जाए तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी एक्ट करेगा। हॉरिजॉन्टली यहाँ पे कोई विंड नहीं है। अगर पिछला लेक्चर आपने अच्छी तरह से देखा तो वहाँ पे मैंने विंड केसेस भी समझाए थे, जिससे ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती थी कि नॉर्मल टू डायमेंशनल मोशन कैसे हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जी एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं है। तो इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड इनिशियल होगी यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस अल्फा, वर्टिकल स्पीड होगी यहाँ पे यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन अल्फा, और यू साइन अल्फा से ऊपर जाएगा कहीं पे वी वाई जीरो होगी, और फिर जी की वजह से रिटर्न होके वापस आएगा। हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, तो यू कॉस अल्फा इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट। हॉरिजॉन्टल स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो हॉरिजॉन्टली तो ये सीधा चलता जाएगा और वर्टिकली ऊपर जाएगा और वापस आएगा, तो दो वन डायमेंशनल मोशन है जिन्हें हमें कंबाइन करना है। तो एक्चुअल मोशन इस तरह का चलेगा, ये टॉप मोस्ट पॉइंट होगा जहाँ पे कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई जीरो हो रही है, और थ्रू आउट मोशन आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन यू कॉस अल्फा। दिस द मोशन व्हिच वी कॉल अ नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। अब इससे रिलेटेड कई छोटे छोटे केसेस हैं व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर सबसे पहली चीज यहाँ पे देखें, क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सो आपको ये ध्यान होगा 2D मोशन के बारे में मैंने आपको ये समझाया था कि चाहे एक्स डायरेक्शनल मोशन हो या वाई डायरेक्शनल मोशन हो, टाइम इज अ कॉमन फैक्टर, टाइम एक ही रहता है दोनों मोशन के अंदर, क्योंकि एक्चुअली द मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। 3D भी आगे हम पढ़ेंगे तो 3D में भी आपको समझ में आ जाएगा, जब एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो भी टाइम इज कॉमन इन ऑल थ्री मोशन, क्योंकि रिजल्टिंग मोशन एक ही है। तो टाइम आप चाहे वर्टिकल मोशन एनालाइज करें चाहे हॉरिजॉन्टल करें, बात एक ही है। तो वर्टिकल देखोगे तो बॉल का अपवर्ड वेलोसिटी यू साइन अल्फा, रिटार्ड हुआ जी से तो ऊपर गया और नीचे आया, तो टी इक्वल टू जीरो पे थ्रो किया, किस टाइम पे ऊपर पहुंचेगा T1, और टाइम फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो हम यूज़ करेंगे फार्मूला जो सबसे पहले हमने पढ़ा था यू बाई जी। मैंने कहा था वो फार्मूला आखिर तक पूरी फिजिक्स के एंड तक काम आएंगे, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केसेस मैंने आपको लेक्चर 3 के अंदर और लेक्चर 4 के अंदर इन चीज़ों को बहुत डेप्थ में समझाई हैं। तो इन चीज़ों को जितना अच्छे से आप कर लोगे वो क्लियर हो जाए। लेक्चर 4 वाज एक्सक्लूसिवली ऑन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन केसेस, जहाँ पे बेसिक आइडिया मैंने दिया था। सो टाइम इज़ यू बाई जी, तो इट इज़ यू वाई बाई जी, यानी ये टाइम होगा यू साइन अल्फा बाई जी, और जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस आने में लगता है। तो अगर हमको निकालना है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2T1, दिस विल बी 2U साइन अल्फा बाई जी। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं, बॉक्स वाले सारे काम के रिजल्ट हैं। इफ़ यू विश टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेंड, यहाँ पे अगर मैक्सिमम हाइट अटेंड कैलकुलेट करनी है तो मैक्सिमम हाइट ये होगी जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, दिस HM ये वाली, और मैक्सिमम हाइट इज जस्ट ड्यू टू द वर्टिकल मोशन ऑफ बॉल, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो तो यूनिफॉर्म है। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड HM को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यू वाई स्क्वायर बाई 2G, यू स्क्वायर बाई 2G वॉज द रिलेशन वी ऑलरेडी स्टडीड, सो इट गिव्स यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई
2G. So this is what we use for maximum height. So relation दिमाग में रखने कई स्टूडेंट ने पढ़े हुए अर्ली क्लासेस में, that's good, but quickly मिनटों में हम कवर कर रहे हैं, देख लें तो अच्छा है. इसके बाद हमारे पास आती है रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड की, कितनी रेंज ये प्रोजेक्टाइल कवर करेगा. तो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर हमको कवर करनी है या कैलकुलेट करनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली ये चल रहा था यू कॉस अल्फा वेलोसिटी से, तो यू कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि कितनी देर ये हवा में रहा, इतनी देर के लिए रहा, तो इतनी देर में कितना आगे बढ़ेगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. सो ये टी एफ अगर आप यहाँ डाल देंगे, दिस गिव्स टू यू साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी, दैट कम्स आउट टू बी यू साइन टू अल्फा बाई जी. तो रिजल्ट्स आप सारे ध्यान रखें, बेसिक एलिमेंट्री रिजल्ट्स हैं, अभी बहुत सारे केसेस इसी सिचुएशन पे लेंगे, सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट सेम सिचुएशन है, बट एक केस में पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट जनरल टाइम टी, टी इक्वल टू जीरो पता है, टॉप पे पहुंचेगा यू साइन अल्फा बाई जी टाइम बाद, वापस ग्राउंड पे लैंड करेगा टू यू साइन अल्फा बाई जी टाइम बाद, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट अभी बात करी थी. अब एक जनरल टाइम पे बात की जाए कि टी इक्वल टू जीरो पे तो ये चला, किसी जनरल टाइम टी इक्वल टू टी पे यहाँ पे था किसी पी पॉइंट पे और इसकी वेलोसिटी थी वी टी, वी कैन राइट इट वी टी. अब इसकी कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल भी होगी और कुछ ना कुछ वर्टिकल भी होगी, इसे वी राइट इट एज वी एक्स एंड वी वाई. तो आप डायरेक्टली कह सकते हो वी एक्स तो यही रहने वाली है क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होती ही नहीं है. सो वी कैन राइट एनी टाइम टी एट एनी टाइम टी इक्वल्स टू टी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन रिमेन्स यू कॉस अल्फा, ये चेंज नहीं होगी. और वी वाई अगर निकालना है तो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई है, जी से रिटार्ड हो रही है, स्पीड इक्वेशन लगा दो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, यू माइनस जी टी, बॉल को यू से थ्रो किया तो टी टाइम बाद वेलोसिटी होगी यू माइनस जी टी. सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट यू साइन अल्फा माइनस जी टी. ये वी एक्स और वी वाई आ गए, और अब पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ कवर करी है, जिन्होंने नहीं देखा इट इज़ एडवाइजेबल कि फॉलो कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज बेसिक आइडिया होना चाहिए. किसी भी पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी होती है दैट इज टेकन एज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट, और अगर वेक्टर निकालेंगे तो वी टी वैक्टर कैन बी रिटर्न एज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, क्योंकि वी एक्स इस वी का एक्स कंपोनेंट है, वी वाई इस वी का वाई कंपोनेंट है, तो यूनिट वैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो. सेम यू कैन राइट वी एट टाइम टी इज रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और एंगल थीटा होता है टेन इनवर्स ऑफ वी वाई बाई वी एक्स. ये पिछले लेक्चर में हम डिटेल में कर चुके हैं, तो सिक्वेंशली करोगे तो इट विल बी गुड. कॉन्सेप्ट वीडियोज में भी है, बट यहाँ थोड़ा फास्ट सिचुएशन बेस्ड हम कर रहे हैं. सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ वी एक्स एंड वी वाई, दिस गिव्स यू रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर गिव्स यू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन अल्फा. ये आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. थीटा आ गया अपने पास टेन इनवर्स ऑफ वी वाई बाई वी एक्स इज यू साइन अल्फा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू कॉस अल्फा. अब इस पर कई केसेस बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है टी इक्वल टू जीरो पे थ्रो किया, वेलोसिटी दी हुई, एंगल दिया हुआ है, कितनी देर बाद पार्टिकल की स्लोप एंगल 45 डिग्री हो जाएगी, तो इस टेन थीटा को अपने को वन करना है, तो वी वाई और वी एक्स बराबर हो जाएंगे, यू साइन अल्फा माइनस जी टी इक्वल टू यू कॉस अल्फा कर दोगे सॉल्व हो जाएगा. इस तरह के वैरायटी ऑफ केसेस अपने सामने आ सकते हैं, एक दो केसेस देखते हैं अपन फिर आगे बढ़ेंगे. पोजी क्लियर करो. थैंक यू पोजी. सो स्टूडेंट यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सिचुएशन है सेम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, जिसमें दिया हुआ है अगर यू 20 मीटर पर सेकंड और थीटा 60 डिग्री है, थीटा या अल्फा कह लो, इनिशियल प्रोजेक्शन एंगल 60 डिग्री है. वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम पार्टिकल विल बी ट्रेवलिंग एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, यानी कितनी देर बाद ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे चल रहा होगा. तो सीधी सी बात है, ये जो फॉर्मूला निकाला है अपन ने डायरेक्टली इसी को यूज़ कर लेते हैं. 10 30 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स, यानी u साइन अल्फा माइनस जी टी, तो u कितना है 20 है, 20 साइन 60 डिग्री, यानी 20 इंटू रूट 3/2 माइनस जी टी इज 10 t, और t हमको कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई u कॉस अल्फा, दैट इज 20 इंटू कॉस 60 इज 1/2. अब देखो 10 30 डिग्री हो गया हमारे पास 1/√3. आई थिंक द क्वेश्चन इज ओवर, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, यहाँ से सॉल्व करो, टाइम की वैल्यू निकालो. सिंपल लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन भी नहीं है, टी एक तरफ लेना है, वैल्यू निकालोगे आंसर आ जाएगा.
सो इस तरह के क्वेश्चन जो जनरली नीट में पूछे जाते हैं, जेई मेन में पूछे जाते हैं, फंडामेंटली आप हैंडल कर सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये पूछा जाए इसी टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसके अंदर वैल्यू डाल दो वेलोसिटी के फॉर्मूले में, या इतने एंगल पे कितनी वेलोसिटी होगी ऐसे ही कैलकुलेट करा और वैल्यू डाल दिया, टीवी डाल दिया, अपना सब वैल्यू डाल के, कैलकुलेशन इज़ वेरी वेरी इजी। तो सिचुएशन बेस्ड लर्निंग में आपको सिचुएशन ही हैंडल करनी है, एंड दैट आई कैन टेल यू कि हमारे ऑनियन फिजिक्स लेक्चर्स के अंदर में जितनी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जिन पर अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, एवरीथिंग वी आर टेकिंग अप, सो वन बाय वन विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। जैसे जैसे ऑनियन की लेयर्स निकालते हैं, अंदर नया ऑनियन निकलता है, वैसे यहां पे जैसे जैसे हम आगे सिचुएशंस खोलते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग और स्ट्रांग होती जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट्स, सेम सिचुएशन में एक और क्वेश्चन हम हैंडल करेंगे। सिचुएशन वही है, बॉल को बॉय ने अल्फा एंगल से यू स्पीड पे थ्रो किया और यहाँ पे पूछा गया फाइंड पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में बता चुका हूँ कि अगर हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वर्टिकल वाई एक्सिस लिया है तो जो पाथ ट्रेस कर रहा है पार्टिकल, उस पाथ का जो फंक्शन होगा या ये जो कर्व बन रहा है ऑन दिस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसकी इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फॉर विच वी नीड पोजिशन कोऑर्डिनेट्स। इसको हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है हमने यू कॉस अल्फा से जो कॉन्स्टेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन अल्फा है जो जी से रिटार्ड हो रही है। तो अगर अपन पोजिशन कोऑर्डिनेट निकालें तो डायरेक्टली हम स्पीड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन में यू कैन राइट एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट यानी एक्स पोजीशन कैन बी रिटन एज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टली ये यू कॉस अल्फा से चल रहा है, टी टाइम में कितना आगे पहुंच जाएगा, यू कॉस अल्फा इनटू टी। y डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट किया u sin अल्फा से, g से रिटार्ड हो रहा है, तो y पोजीशन कैन बी रिटन एज u sin अल्फा इनटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इट इज रिटार्डेड बाई जी। तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वर्टिकल मोशन, ये दो इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन है एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर। सो वी आर गेटिंग एक्स एंड वाई पोजिशन कॉर्डिनेट इफ यू विश टू कैलकुलेट द पोजिशन वैक्टर ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट एट टाइम टी। अगर पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी निकालना है तो पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी कैन बी रिटर्न एज सिंपली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आप पोजीशन वेक्टर वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। अगर कहीं पे वीकनेस है, मैं पहले भी बता चुका हूँ हमारे कॉन्सर्ट वीडियो में, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट पे जाके या हमारी वेबसाइट पे बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन का सेक्शन पूरा कवर कर लीजिए, दैट विल हेल्प यू आउट। सो दिस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप व्हेन यू पुट इट, इट इज एक्स, एक्स कैन बी रिटर्न एज here we write ut cos alpha I cap plus ut sin alpha minus half gt square j cap। दिस इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो आपको वेलोसिटी वैक्टर एट टाइम टी निकल जाएगा, जो हमने पिछले स्लाइड में कैलकुलेट किया था। अब अगर हमारे पास एक्स और वाई की पोजिशन टाइम फंक्शन में आ गए हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ से टी को एलिमिनेट करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। लेट्स सी ऑन दैट पोजिशन, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। सो स्टूडेंट, हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमने अभी भी निकाले हैं, यहाँ से टी को एलिमिनेट करना है। सो हियर वी कैन राइट इन सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, टी कैन बी रिटर्न एज एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा एंड वाई कैन बी रिटर्न एज यू साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टी इज एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा होल स्क्वायर। दिस गिव्स अस वाई इज इक्वल्स टू यू, कैंसिल हो जाएगा, दिस एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा को आप टेन सेक स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं, विच कैन फर्दर बी रिटर्न एज एक्स टेन अल्फा माइनस दिस कैन बी रिटर्न एज जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर एंड sec स्क्वायर अल्फा वी कैन राइट वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दो फॉर्म्स हैं, दोनों आपको ध्यान में रखनी है, बोथ दी फॉर्म्स आर यूजफुल। वन इज ओनली इन tan अल्फा, और वॉट इज tan अल्फा, tan अल्फा इज द इनिशियल स्लोप एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये आप ध्यान रखेंगे। सो दिस इज इन फॉर्म ऑफ इनिशियल स्लोप ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारे पास आ गई, बहुत सारे पैरामीटर्स हम निकाल चुके हैं, इन्हीं चीज़ों को रिलेट करके there are couple of more situations we need to discuss, let's proceed further, poji clear karein। Thank you poji। सो स्टूडेंट्स, हम एक सिचुएशन और ले रहे हैं। इस सिचुएशन में क्वेश्चन में दिया गया है वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड फॉर अ बॉल टू क्रॉस द वैली, और यहाँ पे एक वैली है जिसका
वर्थ डी है और एक साइड पे एक बॉय बॉल को प्रोजेक्ट करेगा यू स्पीड पे और यू की मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि ये वैल्यू को क्रॉस कर ले। अब देखो अगर मान लो मिनिमम वैल्यू है और इसका एंगल ज़्यादा हो गया तो एंगल ज़्यादा करते ही क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और यहाँ गिर जाएगा। अब इसकी कितनी भी हाई वेलोसिटी हो क्रॉस करना विल बी डिफिकल्ट इन सच केसेस अगर एंगल बहुत ज़्यादा हो गया तो। नाउ अगर एंगल बहुत कम हो गया तो भी ये नीचे गिर जाएगा, दैट मीन्स एट अ स्पेसिफिक एंगल ओनली इट विल बी एबल टू क्रॉस द वैली और जस्ट डी डिस्टेंस पे क्रॉस करने के लिए यू की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब हमको हॉरिजॉन्टल रेंज डी लेना है। सो ज़्यादा सोचने की बजाय व्हाट वी शुड डू इन दिस सिचुएशन, वी कैन राइट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है प्रीवियस केसेस के अंदर। रेंज होती है हमारे पास यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी, रिलेशंस आपको याद रखने हैं, आर शुड बी इक्वल्स टू डी। तो यहाँ पे जो स्पीड निकल के आ रही है वो आ रही है हमारे पास रूट ऑफ जी डी अपॉन साइन टू अल्फा। अब साइन टू अल्फा की वैल्यू जीरो और वन के बीच में वेरी करेगी, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइनोसॉइडल फंक्शन वेरीज बिटवीन जीरो एंड वन। सो डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे ये यू का वैल्यू अलग अलग चाहिए टू क्रॉस द वैली, और हमको चाहिए यू का मिनिमम वैल्यू, तो इसके डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दो यू मिनिमम हो जाएगा, और साइन टू अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल इज वन। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम कह सकते हैं यू का मिनिमम वैल्यू होगा इक्वल्स टू रूट ऑफ जी डी वन साइन टू अल्फा इज इक्वल्स टू वन, और यू कैन राइट टू अल्फा इज इक्वल्स टू 90 degree, और वी कैन राइट दिस एज अल्फा इक्वल्स टू 45 degree। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल, 45 degree पे जब किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो फॉर अ गिवन स्पीड रेंज इज मैक्सिमम, दैट्स वॉट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो हियर वी कैन से एट 45 degree फॉर एनी गिवन स्पीड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। ये एक दूसरा स्टेटमेंट है, फर्स्ट यहां पे है, यानी 45 degree पे एक रेंज को कवर करने के लिए स्पीड मिनिमम हो जाती है और एक गिवन स्पीड पे रेंज मैक्सिमम हो जाती है। दोनों पॉइंट ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, दिस नॉट जस्ट द ओनली पॉइंट, ये पॉइंट तो वो है जो आपको हर बुक में बेसिक लेवल पे मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो क्वेश्चन है, दिस इटसेल्फ इज अ स्टेटमेंट, फॉर अ गिवन रेंज एट 45 degree स्पीड विल बी मिनिमम टू कवर दैट रेंज, एंड इफ स्पीड इज गिवन देन एट 45 degree रेंज इज मैक्सिमम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर स्पीड पता है तो 45 degree पे प्रोजेक्ट करने पे रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, और एक रेंज पता है तो 45 degree पे थ्रो करने पे मिनिमम स्पीड होगी उस रेंज को टच करने के लिए। दोनों चीज़ें एक साथ दिमाग में रखिए, दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस फिजिकल सिचुएशन। नाउ इसी के साथ एक चीज़ ओढ़ लेते हैं, पोजी क्लियर करो, थैंक यू भोजी। सो सिचुएशन वही है लेकिन क्वेश्चन या केस हमने थोड़ा सा बदला है। यहाँ पे इट इज सेइंग इफ यू इज इक्वल्स टू रूट टू जी डी, अभी हमने बात करी थी रूट जी डी इज द मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड टू क्रॉस द वैली, अब थोड़ी सी बढ़ा दी, इसका मतलब 45 degree एंगल के अलावा भी किसी एंगल के ऊपर क्रॉस हो सकता है। क्वेश्चन यही है, फाइंड प्रोजेक्शन एंगल्स एट विच बॉल विल क्रॉस द वैली। अब आप यहाँ ध्यान से देखें 45 degree पे तो बाहर चल जाएगा, तो जस्ट अगर क्रॉस द वैली लिखना है बॉल विल क्रॉस द वैली, तो जस्ट क्रॉस द वैली के लिए रेंज होनी चाहिए डी, तो विल यूज द फॉर्मूला फॉर रेंज। सो वेरी केयरफुल यू नीड टू ऑब्जर्व, फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज सी व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी यूज रेंज इज डी एंड दिस शुड बी यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी, और यू को आप रूट टू जी डी डालेंगे तो दिस गिव्स यू टू जी डी साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाई जी, यहाँ से जी और डी दोनों कट जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 1/2, एंड दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ टू अल्फा शुड बी साइन इनवर्स ऑफ 1/2 और पाई माइनस साइन इनवर्स 1/2। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए कि अगर साइन थीटा की वैल्यू एक्स गिवन है तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स और 180 माइनस साइन इनवर्स एक्स दोनों हो सकती है, द बेसिक आइडिया यू शुड हैव। सो एट दिस पॉइंट यू सी द वैल्यू ऑफ अल्फा वी आर गेटिंग, साइन इनवर्स 1/2 इज 30 degree, पाई माइनस 30 degree इज 150 degree, तो अल्फा का वैल्यू आया हमारे पास 15 degree और 75 degree। अब इसको बहुत केयरफुली समझो कि 15 degree पे भी रेंज डी होती है, 75 degree पे भी रेंज डी होती है, व्हाट विल हैपन एट लेस देन 15 एंड मोर देन 75। एक बात आपको पता है, अगर इसको वर्टिकल थ्रो करेंगे तो ऊपर जाके वैली में गिर जाएगा, यानी 75 से ज़्यादा करा यानी 90 तक गए तो ये वैली में गिरेगा, क्रॉस नहीं होगा। बट एट एन एंगल ऑफ 75 degree इट इज़ जस्ट क्रॉसिंग द वैली, या प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो जस्ट वैली की डी के बराबर आ रही है, और अगर 75 से कम एंगल करेंगे तो सर्टेनली इट विल गो बियॉन्ड, ये बाहर जाता जाएगा। और आपको पता है एट एन एंगल ऑफ 45 degree दिस रेंज इज मैक्सिमम,
आर मैक्स की वैल्यू भी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी जाए तो वी कैन कैलकुलेट इफ वी सॉल्व विद एन इलस्ट्रेशन फाइंड मैक्सिमम रेंज फॉर यू इज इक्वल्स टू रूट टू जी डी, यानी यू इक्वल्स टू रूट टू जी डी पे अगर मैक्सिमम रेंज निकालना है तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी. वाई यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि रेंज है यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाई जी, और रेंज मैक्सिमम तब होगी जब साइन टू अल्फा वन होगा, अल्फा 45 डिग्री होगा. तो टिप्स पे ध्यान रखो. तो यू स्क्वायर बाई जी, यू जस्ट सी द वैल्यू वी आर गेटिंग इज 2d. इसका मतलब 45 डिग्री पे ये यहाँ से भी d डिस्टेंस आगे जाके हिट करेगा, टोटल रेंज विल बी 2d. अब 45 से एंगल कम करोगे तो फिर रेंज कम होना शुरू होगी, और एट एन एंगल 15 डिग्री वापस से रेंज डी हो जाएगी, क्योंकि 15 डिग्री पे रेंज दिया लेकिन 15 से कम किया तो इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन अगेन, इट विल नॉट बी एबल टू क्रॉस. अब इस पूरी सिचुएशन को अगर केयरफुली आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि एट यू इक्वल्स टू रूट टू जी डी वी आर रिक्वायर टू चेक द प्रोजेक्शन एंगल्स एट विच बॉल विल क्रॉस. तो कौन कौन से एंगल ऐसे होंगे जिस पे बॉल वैली को क्रॉस करेगी, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस. 15 डिग्री और 75 डिग्री के बीच में क्रॉस कर रही है, यानी जिन दो एंगल्स पे रेंज सेम आ रही है. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, मैं इस आंसर को ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड मोर देन इक्वल्स टू 15 डिग्री. ये आंसर होगा. एट ऑल दीज एंगल्स बॉल विल बी एबल टू क्रॉस द वैली. दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक और कॉन्सेप्ट हमने यहाँ कर लिया, उस कॉन्सेप्ट को हम लिख लेते हैं, दैट वुड बी बेटर. पोजी क्लियर करें. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पोजी ने लिख के ओपन कर दिए हैं, या ये कह दें मैंने लिखे हुए थे, पोजी ने ओपन कर दिए हैं. जस्ट टू सेव टाइम, जस्ट हैव अ लुक ऑन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. पहला फैक्ट जो अभी हमने पढ़ा है, फॉर अ गिवन स्पीड, प्रोजेक्शन स्पीड वी आर टॉकिंग अबाउट, फॉर अ गिवन प्रोजेक्शन स्पीड रेंज इज मैक्सिमम वन प्रोजेक्टाइल एंगल इज 45 डिग्री. 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है. एंड फॉर अ गिवन रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन रिक्वायर्ड स्पीड इज मिनिमम एट प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री. अभी अभी हमने डिस्कस किया. और लास्ट पॉइंट, फॉर अ गिवन रेंज एट अल्फा नॉट इक्वल्स टू 45, यानी अगर प्रोजेक्शन एंगल 45 नहीं है तो ऑलवेज देर आर टू प्रोजेक्शन एंगल सच दैट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज 90 डिग्री. यानी अगर 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट नहीं किया तो जो रेंज आ रही है वो दो एंगल पे सेम रेंज आएगी, और उन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा. यानी दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो हेयर वी कैन से, जैसे 15 डिग्री और 75 आया, उसी तरह से हम ये कह सकते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पे भी रेंज हमेशा सेम होगी. दिमाग में बैठा लो, कहीं पे भी सामने आएंगी तो पता चल जाएगा. और कभी 40 डिग्री पे प्रोजेक्शन एंगल दिया तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 50 डिग्री पे भी रेंज हमेशा सेम होगी. कभी तुमको 10 डिग्री दिया हुआ है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड 80 डिग्री के ऊपर रेंज वही आएगी जो 10 डिग्री पे होती है. तो ये चीज़ें दिमाग में ठोकना शुरू कर दो, ताकि कभी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आए तो प्रोजेक्शन एंगल देखते ही ये चीज़ दिमाग में आ जाए कि रेंज सेम होगी इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे. दैट्स वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू भोजी. सो स्टूडेंट, एक और हमारे पास सिचुएशन है. इस सिचुएशन पे मैं क्वेश्चन पीजी कॉन्सेप्ट वीडियो में भी एज सॉल्व एग्जांपल ले चुका हूँ, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप ऑनियन फिजिक्स वीडियो से पहले कॉन्सेप्ट वीडियो जो कुछ ही मिनटों में कवर किए जा सकते हैं देख के आते हैं तो यहाँ पे एनहांसमेंट और बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिचुएशन को मल्टीपल लेयर में ऑनियन की तरह से खोलते जाते हैं. सो आइए एक सिचुएशन देखते हैं, विच इज फुटबॉल हिटिंग अ गोल. इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक प्लेयर है जो एक बॉल को अल्फा एंगल पे यू स्पीड से हिट करता है. एल डिस्टेंस पे गोल पोस्ट है जिसकी मैक्सिमम हाइट एच गिवन है. वी नीड टू चेक व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग. चेक इफ देयर इज अ गोल और नॉट, यू अल्फा एल एंड एच आर गिवन. यहाँ पे हमारे पास स्पीड गिवन है, एंगल गिवन है, एल गिवन है, एच गिवन है. हमको सिर्फ ये चेक करना है गोल होगा या नहीं. और मैं जितनी भी सिचुएशन दे रहा हूँ आप इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने पिछले लेक्चर्स में कमेंट किया आपने सर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स नहीं लिए. बेटा जितनी सिचुएशन है ये सारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स ही हैं, देर इज नथिंग. यहाँ पे यू अल्फा एल और एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो और जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ वही एनालिसिस यूज करो, एवरीथिंग विल बी क्लियर. सो हमको तो ये चेक करना है यहाँ पे गोल होगा या नहीं होगा. इनसे एमसीक्यू बन सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव बन सकते हैं, एडवांस केस बन सकते हैं, एनीथिंग कैन बी फ्रेम्ड आउट ऑफ द गिवन सिचुएशन. सो चेक करने का मतलब है कि हम सिर्फ ये देखें कि अगर प्रोजेक्शन पॉइंट ओरिजिन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले रहे हैं. सो इन दिस सिचुएशन एट एक्स इक्वल्स टू एल, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स इक्वल्स टू एल, तो यहां पे अगर वाई का वैल्यू ग्रेटर देन एच आता है दैट मींस नो गोल, और वाई का वैल्यू लेस देन एच आता है दैट मींस इट इज अ
गोल, दैट इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई गोल कीपर तो है नहीं, इससे कम है तो ये यहाँ पे बाउंस करता करता भी चले जाएगा, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. तो हमको तो ये देखना है कि एक्स इक्वल्स टू एल के ऊपर वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ वाई. अगर ये एच से कम है तो गोल होगा, एच से बड़ा है तो गोल नहीं होगा. सो वॉट वी कैन डू इज इन सॉल्यूशन विल मेक यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री, नथिंग एल्स यू नीड टू डू. इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री सेज वाई इज इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u square cos square alpha. This was the trajectory equation. यहाँ पे x को आप डालोगे l, alpha given है, g पता है, x को डालोगे l, u पता है, alpha पता है, मतलब सब कुछ right hand side पता है. इस y को calculate कर लो. अगर ये less than h आ रहा है इसका मतलब goal हुआ, more than h आ रहा है तो goal नहीं हुआ. Question खत्म, एक line में question हो गया. सिर्फ ये strike होना चाहिए कि given physical situation को कैसे handle करना है. तो equation of trajectory अपने सामने है. And trust me, अब तक मैंने जितने cases कराए उसके beyond ना तो JEE में में, ना नीट में, ना इवन जेई एडवांस लेवल तक कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा. प्रोजेक्टाइल के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, सिर्फ वैरायटी ऑफ केसेस हैं जो मैं इस लेक्चर में भी ले रहा हूं. अपकमिंग लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल के और केसेस लेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल एनालिसिस लेक्चर लेंगे व्हिच कवर्स एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन. सो जस्ट फॉलो द सेम एट इन डेप्थ लेवल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. आइए कुछ केस और देखते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू बोजी. सो स्टूडेंट जस्ट हैव अ लुक, उसी सिचुएशन में एक केस और बना दिया हमने, ये एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मान सकते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है इन द गिवन सिचुएशन फाइंड अल्फा, मतलब प्रोजेक्शन एंगल निकालना है सो दैट बॉल हिट्स पॉइंट ए ऑन गोल पोस्ट. गोल पोस्ट का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो पॉइंट ए है. इस पॉइंट पे बॉल को हिट करने के लिए एंगल अल्फा क्या होना चाहिए. यू एल और एच गिवन है, मतलब प्रोजेक्शन स्पीड एल और एच की वैल्यू न्यूमेरिकली गिवन है. सो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड वी आर गोइंग टू यूज, क्योंकि अब हमको ये गिवन है कि यहाँ जाके एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हिट करता है. अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट एल है, वाई कोऑर्डिनेट एच है, तो कोऑर्डिनेट्स एल एंड एच आर गिवन. सो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मस्ट सेटिस्फाई दिस कोऑर्डिनेट बिकॉज ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं. सो वापस से हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज यूजिंग इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, y इज इक्वल्स टू x tan अल्फा माइनस, अब देखो थोड़ा सा मैं ट्रैजेक्टरी का दूसरा फॉर्मेट यूज कर रहा हूं, जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर. sec स्क्वायर अल्फा को मैंने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा. आप देखो यहाँ tan अल्फा में क्वाड्रेटिक आ गई. y को आप डालोगे h, x को आप डालोगे l, u पता है, g पता है, और x को आप डालोगे l. ये पूरी इक्वेशन में आप ध्यान से देखो, tan अल्फा के अलावा हमको सब कुछ पता है. एंड दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इन tan अल्फा. अगर ये tan अल्फा में क्वाड्रेटिक है, दिस इंप्लाइज अ मैथमेटिकल सॉल्यूशन, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दैट आई एम लिविंग इट टू यू. ऑन सॉल्विंग वी गेट tan अल्फा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास n1 आ सकती है और n2 आ सकती है, दो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक है, और जो दो रूट्स हमारे पास आएंगे tan अल्फा इक्वल्स टू n1 कॉमा n2. सो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, tan इनवर्स ऑफ n1 एंड tan इनवर्स ऑफ n2. ये हमारे आंसर होंगे. लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है स्पीड की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इतनी कम हो कि ये वहां तक जा ही नहीं रहा, ये पहले ही टप्पा खा के गिर गया तो ये तक ये पहुंचेगा ही नहीं. तब क्या होगा, तो आपको सॉल्व करने में पता चलेगा जो दोनों अल्फा के या टेन अल्फा के रूट्स आ रहे हैं ये नॉन रियल रूट आ रहे हैं. नॉन रियल रूट आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा देयर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच बॉल कैन हिट ए. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ये रियल रूट हैं, इफ रियल, दिस इंप्लाइज अल्फा की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी. और अगर यहां पे हम ये कह सकते हैं इफ एन वन एंड एन टू आर नॉन रियल रूट्स, दिस इंप्लाइज फॉर नो अल्फा बॉल कैन हिट ए, मतलब किसी भी प्रोजेक्शन एंगल पे बॉल ए को हिट नहीं कर सकती. और ऐसा कब होगा, जब स्पीड ही सफिशिएंट नहीं है बॉल को वहां ले जाने के लिए. तो एमसीक्यू के अंदर ऐसा भी एक ऑप्शन होगा, स्पीड इज इनसफिशिएंट टू हिट द बॉल, टू हिट द पॉइंट ए बाय द बॉल, तो वो आंसर करेक्ट हो जाएगा अगर ये नॉन रियल रूट्स आ रहे हैं. तो गिवन सिचुएशन को एनालाइज करना, मोशन को एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो इस चीज को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, देर शुड नॉट बी एनी गैप इन दैट. एक और केस लेते हैं. पोजी क्लियर करो.
थैंक यू भाजी. सो स्टूडेंट एक और सिचुएशन लेते हैं. प्रोजेक्टाइल के बेसिक फंडे हम सारे खत्म कर चुके हैं. मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं केसेस ले रहा हूँ जिनको आप किसी भी न्यूमेरिकल सिचुएशन में फिट कर सकते हैं. और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आप रेफरेंस के लिए फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1 लगातार यूज करते रहें. फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में अगर मैं बात करूँ तो हम ऑलरेडी पेज नंबर 37 तक पहुंच चुके हैं. और अब आप एज ए होमवर्क के इस या एज ए प्रैक्टिस वर्क इस लेक्चर में आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.8 को कंप्लीट कर चुके हैं. तो पेज नंबर 1 से 35 तक की 37 तक की सारी चीज़ें हो चुकी हैं. बुक में प्रैक्टिस एक्सरसाइज में कई तरह के क्वेश्चंस हैं. जेई मेन और जेई एडवांस के बच्चों को तो मैं कहूँगा सारे करने हैं. नीट के स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि आप क्वेश्चंस अगर नहीं समझ में आते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज के, थोड़ा सा टफ लगते हैं, लेकिन ये लेक्चर क्लियर है तो आप उसके सॉल्यूशन सारे गिवन है बुक के अंदर, उनको रेफर कर लें. लेकिन सॉल्व इलस्ट्रेशन आपको कवर करने ही है, उसको इन एनी केस आपको लूज नहीं करना है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आइए अब इस सिचुएशन को देखते हैं और फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले लेक्चर में और वैरायटी लेंगे. सो यहां पे हम बात करें फाइंड रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फॉर द केस ऑफ सिचुएशन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर. एक टावर गिवन है, हाइट यहां पे इसकी 100 मीटर है. एक बॉय थ्रो करता है 40 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री एंगल पे एक बॉल. सो हमें पता है ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करती हुई बॉल यहां गिरेगी, तो हमको ये वाली रेंज कैलकुलेट करनी है. इस रेंज को निकालने के कई तरीके हैं. सबसे बढ़िया तरीका तो मैं आपको बताऊं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से सब कुछ हो जाता है. दो तरीके मैं बता रहा हूं, दोनों मेथड अच्छी तरह से समझें. सबसे पहले इन सॉल्यूशन मेथड 1 को बात करेंगे हम यूजिंग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. अगर ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन यूज करें तो ये होती है वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. नाउ प्रोजेक्शन पॉइंट हमारा ओरिजिन है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन. और आप देखें ये जो पॉइंट हिट करेगा इसके हॉरिजॉन्टल रेंज तो है आर, और वर्टिकल जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा माइनस 100. तो इस पॉइंट की अगर कोऑर्डिनेट देखें तो ये होगा हमारे पास आर कॉमा माइनस 100. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आर एक्स कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का जहां पे बॉल हिट कर रही है, और वाई कोऑर्डिनेट है माइनस 100. तो ये पॉइंट इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करना चाहिए. दैट मीन्स वाई को मैं डाल देता हूँ माइनस 100, एक्स को मैं डाल देता हूँ आर. अल्फा 30 है तो 10 30 डिग्री इज डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस जी को हम लेंगे 10. दिस 10 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर. यू स्क्वायर विल बी 40 स्क्वायर 1600 इंटू 2 इज 3200. तो इसको 320 कर देते हैं, इस 10 को हटा देते हैं. कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा अगर 30 है तो कॉस 30 इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2. सो दिस बिकम्स 3 बाई 4. कॉस 30 इज रूट 3 बाई 2. सो स्क्वायर करेंगे इट इज 3 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 4. तो इसको मैं वापस से लिख सकता हूँ 4 से 18 इंटू 3 दिस विल बी 240. अब ध्यान से देखें दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर. तो यहाँ से आर की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी. नेगेटिव को डिस्कार्ड कर दीजिए, पॉजिटिव वाला हमारा आंसर होगा. इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क. अब आप ये पूछ सकते हैं नेगेटिव रूट ही क्यों आएगा सर, आपको कैसे पता हो सकता है दोनों पॉजिटिव आए? ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? थोड़ा सा दिमाग ओपन करो. ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ये इस कर्व की इक्वेशन है विच इज अ पैराबोला. ऑल ऑफ यू नो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, तो ये पैराबोला है. यानी जब इक्वेशन डिनोट करती है तो ये पूरे कर्व को डिनोट करती है एक्स की माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की वैल्यूज. हमने यहाँ से बनाया, अगर कर्व मैथमेटिकली ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का कर्व आएगा और ये इन्फाइनाइट तक जाएगा जिसकी ये इक्वेशन है. हमारे इंटरेस्ट का कर्व सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, बट मैथमेटिक्स के लिए इससे मतलब नहीं है कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है. मैथमेटिक्स इस कर्व को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कवर करती है. यानी अब आप देखो एक्स वाई इक्वल टू माइनस 100 पर आर की क्या वैल्यूज आनी चाहिए? एक तो ये वैल्यू आएगी जो हमारे काम की है, दूसरी ये वैल्यू आएगी. दिस विल बी द नेगेटिव रूट जो मैंने यहाँ पे डिस्कार्ड किया है. अब ये वैल्यू क्या सिग्निफाई करती है? ये सिग्निफाई करती है कि अगर ये बॉय इस बॉल को बैक साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 डिग्री से डाउनवर्ड फायर करता या थ्रो करता तो ये इस नेगेटिव रूट के पोजीशन पे जाके हिट करती. तो ये भी नेगेटिव डिस्कार्ड करने लायक नहीं है, किसी क्वेश्चन में ये नेगेटिव वैल्यू भी यूज हो सकती है. दैट्स व्हाई एनालाइजिंग फिजिकल सिचुएशन एंड लर्निंग फिजिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट. इट गिव्स यू अ होलिस्टिक आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स. दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस टू अंडरस्टैंड. इवन कभी जो रूट्स निकल के आते हैं वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, हर रूट का एक सिग्निफिकेंस होता है, ये आपको समझना है. मैं
यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट छोड़ रहा हूँ, इसके पिछले केस में दो नॉन रियल रूट आए थे पॉइंट ए के लिए, क्या नॉन रियल रूट का भी कोई सिग्निफिकेंस होता है, ये आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में डालिए। अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया प्लस और माइनस रूट का सिग्निफिकेंस क्या, पिछला जो केस था जिसमें दो नॉन रियल रूट आते हैं तो हमने आंसर दे दिया था बॉल कभी गोल पोस्ट की एज ए को हिट नहीं करेगी, वहाँ नॉन रियल क्या कोई सिग्निफिकेंस रखते हैं या कोई सिग्निफिकेंस नहीं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू पुट स्ट्रेस ऑन योर ब्रेन, दिमाग पर थोड़ा जोर डालो और जो चीज़ समझ में आती है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। पोजी सिचुएशन को क्लियर करें, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बोजी। सो इसका मेथड टू भी अभी बचा है, अभी तो मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से सॉल्व करना सिखाया, इसी सिचुएशन को एक और तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम देखें इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स, इट विल बी 40 कॉस 30 डिग्री, यानी 40 इंटू रूट 3 बाई 2, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगी 20√3 मीटर पर सेकेंड, जो चेंज नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड इन प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेंस कांस्टेंट। वर्टिकल वेलोसिटी अगर देखेंगे तो आएगा 40 sin 30, तो यू वाई विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, 40 × 1/2। अब आप देखें ये वर्टिकल वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा, फिर रिटर्न होगा और नीचे आएगा, बिकॉज इट इज फॉलिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन जी, और जितनी देर में ऊपर जाके वापस आता है उतनी देर में जितना ही आगे चलेगा वही इसकी रेंज होगी। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा, पहले तो ऊपर जाने का टाइम, वर्टिकल वेलोसिटी 20 है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई जीरो हो जाएगी, जब ये टॉप पे पहुँचेगा तो वर्टिकल वेलोसिटी विल बी जीरो। सो फर्स्ट जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा यू स्क्वायर बाई 2g प्लस टोटल ये फॉल करेगा 100 मीटर प्लस ये वाली डिस्टेंस, इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी ये होगी यू वाई स्क्वायर, सॉरी दिस विल बी यू वाई बाई जी, बाई मिस्टेक आई हैव रिटन मैक्सिमम हाइट, दिस यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और ये वैल्यू होगी 20 स्क्वायर विल बी 400 बाई 20, दिस 20 मीटर, यानी ये 120 मीटर नीचे गिरेगा। सो हम ये कह सकते हैं इसके बाद जो टाइम लगने वाला है वो लिखने वाला है रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ h, h विल बी 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई जी, सो वैल्यू सी वॉट वी आर गेटिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल्स टू 20 बाई 10 इज 2 सेकेंड प्लस this will be root of 240, this is 120, 12 into 2, this root of 24, so this comes out to be 2 plus 2 root 6 second, ye iska total time of flight hai, jis time pe yahan pe hit karega, this will hit at t equals to tf if started at t equals to 0, aur ye result aapko familiar lag raha hoga, ye result maine 2-3 lectures pehle jab motion in one dimension karaya tha to motion in one dimension ke andar is tarah ke result humne nikale the, ab itni der mein kitna aage chalega, this implies रेंज कैन बी रिटर्न एज यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि इतनी देर के लिए हॉरिजॉन्टल चला है, सो आंसर न्यूमेरिकली डायरेक्ट आ गया, वो जो टेन अल्फा में या हमारे पास जो आर में क्वाड्रेटिक निकल के आई थी उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिस इज गिविंग अस 20√3 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 2√6 मीटर, ये आंसर होगा आपकी रेंज का। आप चाहें तो पिछले मेथड से पूरा सॉल्व कीजिए, रिजल्ट निकालिए, देखिए मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, दिस गिव्स यू एन एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल सिचुएशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आइए आगे बढ़ते हैं, क्विकली कंक्लूड करेंगे अब चीज़ों को, पोजी क्लियर करें। थैंक यू भोजी। सो सेम सिचुएशन में नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग, अगर आपने सिचुएशन को अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। इट इज सेइंग एट व्हाट स्पीड एंड एंगल बॉल विल हिट द ग्राउंड, जब ग्राउंड को ये हिट करेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं जब किसी कर्व पे बॉल चल रही है तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, तो अगर ये बॉटम पॉइंट पी है तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी हमें निकालनी है, और ये निकालना है किस एंगल थीटा के ऊपर ये बॉल ग्राउंड को हिट करती है, एंगल थीटा निकालना है और वेलोसिटी एट पॉइंट पी निकालनी है। सो डायरेक्टली यू कैन एनालाइज सॉल्यूशन के अंदर वी आर गोइंग टू यूज वेलोसिटी एट पी विल बी रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, थीटा विल यूज टेन इनवर्स ऑफ वी वाई बाई वी एक्स, ये रिलेशन में बहुत क्लियरली प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, अदरवाइज भी आपको पता होने चाहिए, फॉर एनी 2D मोशन दीज रिलेशंस आर वैलिड। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं भी देखा है तो फॉर एनी 2-डायमेंशनल मोशन, नॉट ओनली फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, दीज रिलेशंस आर यूनिवर्सली वैलिड। सो हम वही चीज़ यहाँ यूज़ करेंगे। वी एक्स की बात करें तो यहाँ पे वी एक्स का वैल्यू पहले ही निकाला हुआ है, दिस 20√3 मीटर पर सेकेंड, ये चेंज नहीं होगा। वी वाई निकालें तो इनिशियल टॉप पे वेलोसिटी वाई पे जीरो है, तो 120 मीटर गिरने के बाद डाउनवर्ड क्या होगी, इस पॉइंट के ऊपर वी एक्स हमको पता है, डाउनवर्ड विल बी वी वाई, वैल्यू ऑफ वी वाई वी कैन राइट रूट ऑफ 2gh,
So this will be root of 2 into 20 into 120. This gives us root of 2 GH, 2 into 10 into 120. This will be 2400. So it will be 20 root 6 meters per second. Ye aa gaya Vy. So agar Vx Vy aa gaya to yahan pe Vp nikal gaya aur theta nikal gaya. Vp yahan substitute kar dein. To Vp ka value aaya root of Vx square. Aap square karenge, this 400 multiplied by 3. This 1200 plus 20 root 6 ka square karenge. So this will be 2400. So this comes out to be root of 3600. This comes out to be 60 meter per second. Is speed se hit karega at an angle theta. Or theta ka value hoga 10 inverse of Vy by Vx. So 20 root 6 upon 20 root 3, 20 cancel ho gaya. Ye aa jayega hamare paas 10 inverse of root 2. इस एंगल पे हिट करेगा और इस स्पीड से हिट करेगा. जस्ट सेकंड, मेरी कैलकुलेशन पार्ट वीक है, कोई गलती भी है तो ठीक कर लेना. यू डोंट नीड टू कमेंट. इंपॉर्टेंट इज अगर ये फॉर्मूले क्लियर हैं तो वैल्यू निकालना आना चाहिए. नथिंग एल्स इज नीडेड ओवर हियर. सो माय डियर स्टूडेंट, हियर आई कंक्लूड दिस लेक्चर. वी हैव टेकन लॉट ऑफ सिचुएशंस और बहुत जरूरी है इस वक्त. अब आपका प्रैक्टिस वर्क आपको पता है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.8 तक पीजी बुक वॉल्यूम 1 में से सारी चीजें रैप करके रखो और अच्छी तरह से चीजों को देख लो. और अभी जो नए यूजर्स हैं उनके लिए मैं फिर कहूंगा कि हमारे जो लेक्चर्स का शेड्यूल है वो संडे को आ जाता है, जिसमें एक छोटे से लेक्चर्स में 3-4 मिनट के वीडियो के अंदर मैं बता देता हूं नेक्स्ट वीक में मैं क्या कराने वाला हूं और उसमें कॉन्टेंट क्या होगा, ताकि आप पीजी कॉन्सर्ट वीडियो से उस कॉन्टेंट को देख लें और क्विकली उन सारी चीजों को बिल्डअप करें. दैट हेल्प्स यू इन ओवरऑल बिल्डिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. सो अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे इन्हीं चीजों के साथ. और अभी प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म नहीं हुआ है, बेसिक और प्रोजेक्टाइल मोशन हमने खत्म किया. अब इसके और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे न्यूमेरिकल एनालिसिस करने, वैरायटी ऑफ केसेस करने, अपकमिंग लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे. एंड दिस द फाउंडेशन बेसिक ऑफ फाउंडेशन बेसिस ऑफ होल मैकेनिक्स. सो डू नॉट इग्नोर एनी पॉइंट, कीप कंटिन्यूइंग, स्टे ट्यून. अभी तक अगर लेक्चर आपने, अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स से शेयर कर लें. जितना आप ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करेंगे हम उतना ही कंपटीशन बिल्ड करेंगे और आप सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट देंगे, ताकि स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को फाइट दे के अपने आप को अपने लेवल से ऊपर उठा सकें. चलिए कंक्लूड करते हैं. विश ऑल द बेस्ट.